ये हम लोगों का बाउल है, बाउल में थोड़ा पानी डालेंगे। पानी के बाद इसमें जितनी आप आमियाँ लेना चाहें, कच्ची आमियाँ, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हमने 4 किलो आम लिए हैं। 4 किलो आम को आराम से धो के इसका ऊपर का हिस्सा निकाल के कट कर लेंगे। कट करने के बाद सारे आम को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे, नहीं तो ये आम खराब कर देता है। इसके बाद आप सरौते से इसको पोंछ के अच्छे से धो के पोंछ लेंगे सारे। ये हम लोगों का सरौता है। इस सरौते से हम आम को कट कर लेंगे इस तरीके से। चाहो तो आप बाहर से भी आम कट करा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इसको कट कर सकते हैं। हमने ये छोटे पीस कर लिए, इसकी ये गुठली निकाल देंगे। इस तरीके से 4 हिस्से कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी आमियाँ को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला लेंगे। अब 1 दिन लेफ्ट हो चुका है नमक पड़े हुए। अब ये पानी से निकाल लिया जाएगा और उसके बाद पानी को आप चाहे अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खाने में भी इस्तेमाल ले सकते हैं। और इस तरीके से इसमें धूप लगा ली है। धूप लगाने के बाद अब ये आमियाँ सूख गई है। आपकी आमियाँ सूखने के बाद अब मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले हम अपने मसाले के लिए हम ले हैं, तेल ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। पहले नमक हम डाल चुके हैं, पानी उसका अलग कर लिया है। इतना नमक फिर लेना पड़ेगा एक कटोरी आपके लिए मात्रा के अनुसार। 1 कटोरी राई, कलौंजी 1 चम्मच, हमने 2 तरीके की मिर्च ली है, 1 मोटी मिर्च कुटी हुई और 1 महीन। आप चाहें तो मोटी ले सकते हैं खड़ी मिर्च या फिर ये पिसी हुई मिर्च ले सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 कटोरी, हींग 1 चम्मच, सौंफ 1 कटोरी, 1 चम्मच मेथी। नहीं तो ये मेथी से कड़वा हो जाता है अचार, इसलिए थोड़ी मात्रा में ली जाती है। इसके बाद हम सारे मसालों को भून लेंगे हल्का हल्का कढ़ाई में। हमने अपनी कढ़ाई रख ली है, पैन रख लिया है। अब आप इसमें मसालों को अच्छी तरीके से हल्का हल्का भून लेंगे। कढ़ाई अगर गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद इसमें सारे मसाले हल्की आंच में भून कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। हमने इसमें मेथी लिया है, ये मेथी 1 चम्मच इसमें इसी में ऐड कर लेंगे। इसमें राई भी हल्का सा ऐड कर लेंगे। धीमी आंच में तो ये जलने ना पाए, नहीं तो जल जाएगी, मसाला बेकार हो जाएगा। तो हमने इसको हल्का सा भून लिया ताकि अचार खराब ना हो। ताजे मसालों का प्रयोग करना है। अगर हम काफी दिनों के रखे हुए मसाले लेंगे तो अच्छे उतने कीड़े होते हैं, इसलिए ताजा मसाला ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भूनना, हमने गैस बंद कर दिए। अब इसको ठंडा करेंगे। अब फ्राई हो चुकी है ये सौंफ राई मैथी। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इसको ठंडा होने तक मोटा मोटा पीसेंगे। अगर महीन इतना नहीं करेंगे, महीन अच्छा नहीं लगता है। अब इसे पैन में फिर से ऑन करेंगे। अब इसमें तेल ऐड करेंगे, कड़वा तेल हल्का सा गर्म कर लेंगे। धुआं निकले तक ही इसको गर्म करना है, ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना, नहीं तो खराब हो जाएगा अचार। हल्का सा भूनना करेंगे। अब हम लोग, अब ये तेल गर्म हो चुका है, धुआं निकलने लगा है, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम तेल नहीं पड़ता, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। इस तरीके से इसको पंखे में रख देंगे, ये ठंडा हो जाए। तब तक मसाला है मिक्सी में ड्राई कर लेंगे। मसाला
सौंफ, ये मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसके लिए मोटा मोटा पीसना है, महीन नहीं पीसना है, महीन थोड़ा सा मोटा। अब लोगों का बिल्कुल ठंडा हो चुका है मसाला, मसाला पीस के रेडी हो गया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। मसाला तो बताया ही था आपके लिए, इसमें राई, मेथी, सौंफ। अब इसमें अब जो धूप में हमने सुखाई थी, अब उसके लिए एक बर्तन में रख लेंगे। ये अमिया तैयार है, अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे। ये वाला जो मसाला है ये ऐड कर देंगे, धीरे धीरे चारों तरफ से इस तरीके से फैला के डाल देंगे सारा सामान। अब इसमें हमने मोटी मिर्च ली हुई है, छोटी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो हल्की मिर्च डाल सकते हैं। इसमें मिर्च ऐड कर दी, इसी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देंगे। इसमें हींग, एक चम्मच हींग, हल्दी पाउडर एक कटोरी, आप चाहें तो भून के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की सी फ्राई करके। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक कटोरी नमक इसमें ऐड कर देंगे पूरा, इतना एक कटोरी नमक इसमें ऐड हो जाएगा। धीरे धीरे डालेंगे ताकि सब में मिल जाए। ये तेल ठंडा हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे तेल। इस तरीके से अचार को चलाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने हाथ से नहीं मिलाएंगे, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। ये अचार पूरे साल दो साल तक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नानी दादी का बेहतरीन नुस्खा, ये नानी का अचार है, मेरी नानी भी इस तरीके से डालती थी। बच्चे अगर तीखा नहीं खा पाते हैं इसलिए मिर्च थोड़ी खा पाती है, नहीं तो ये कड़ू ज्यादा हो जाएगा, फिर कड़ू ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे खा नहीं पाएंगे। अब इसको कांच के बॉल में भर के हल्की सी धूप दिखा लेंगे, वरना जरूरी है। अब इसको अच्छे से मिला लिया है, सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, अचार तैयार है। अब इसको आँच के बॉल में भर के रख लेंगे अच्छे। ऐड किया हुआ आम का अचार तैयार है, सारा मसाला इसमें ऐड हो चुका है। अब इसको कांच के जार में रख लेंगे इस तरीके से सारा भर के। आप चाहें तो इसमें धूप लगा दिखा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अचार को इसमें ढक्कन लगाकर जहां धूप हो हल्की सी धूप में दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, धूप में अचार ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए धूप को थोड़ा ही दिखाना है, क्योंकि धूप में अमिया सूखी चुकी है, नहीं तो ज्यादा। आम का अचार तैयार है। आप इस मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं और नई नई वीडियो आपको दे सकते हैं, इसलिए आपको नई नई रेसिपी हम देंगे। सब्सक्राइब करिए आप।